अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन। और आज हम बना रहे हैं मीठा दूध। मीठा दूध बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध हमने इसमें ऐड कर दिया। फुल फैट हमने दूध लिया है, इसको ज़्यादा हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मिल्क ज़्यादा थिन है तो आप इसको 10 से 15 मिनट कुक कर सकते हैं ताकि ये अच्छा सा रिड्यूस हो जाए और गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए दूध। अब जब तक मिल्क बॉईल होता है, हम एक कैरमल रेडी कर लेते हैं। देखिए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं मिल्क को बॉईल होते हुए और इस पर ये पीछे से मलाई भी आ गई है। अब हम इसको ऐसे ही कुक करते रहेंगे और कैरमल रेडी कर लेंगे अपना। अब हम एक पैन रख देंगे और इसको थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे, टेबल शुगर रेगुलर, और इसको हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही रख देंगे कैरमल बनाने के लिए। ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कुक होगा और मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड की है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखें, शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, कैरमल हमारा बनना स्टार्ट हो चुका है। इसे इस तरह ऐसे ही चलाते रहेंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ये ऐसे ही कुक होना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा इसका भी, और शुगर भी अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी। देखिए, इतना अच्छा सा हमारा कैरमल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूध में मिक्स कर देंगे। जो दूध बॉईल हो रहा है अब हम इसमें ऐड कर देंगे कैरमल, उसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये ऐसे ही मिक्स होगा, ये ऐसे ही जम जाएगा और इसको हम जब तक मिक्स करते रहेंगे ये मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए, हम ऐसे ही सारा हमने कैरमल मिक्स कर दिया और इसका कलर भी इतना अच्छा सा पिंकिश हो गया और ये हमारा जो कैरमल था मिक्स हो गया, सारा मेल्ट हो गया। ये देखिए, अब हमने कलर सेवियाँ होती हैं, इसको मैंने जस्ट वाटर में सिंपली बॉईल करके रख लिया है। ये हमें चाहिए हसब ज़रूरत, ऑलमोस्ट हमें हाफ कप इसे चाहिए। इसको ऐड कर देंगे हम, हाफ नहीं, हम सारा ही ऐड कर देंगे, बिल्कुल ठीक लग रही हैं हाफ, थोड़ी कम हो जाए। हमने इसको मिक्स कर दिया है सेवियों को, ज़्यादा मैशी सी हमने इसको बॉईल नहीं करनी, नॉर्मल ही करनी है। और साबूदाना हमने ले लिया है, साबूदाना है हमारे पास 4 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे हम। इसको भी हमने वाटर में ऐड करके तो बॉईल कर लिया अच्छा सा। ये भी इसमें हम गरम ही दूध में हम इसे मिक्स कर देंगे, ये अच्छा सा फिर मिक्स हो जाएगा, हमने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। अच्छा सा बस मिक्स करेंगे और ये रेडी है। साबूदाने को भी हमने ऐसे ही सिंपल बॉईल करना है वाटर और इसको भी अच्छा सा कुक कर लेना। ये देखें, बस रेडी है हमारा मीठा दूध जो हमने बनाया है। अब इसकी हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर लिए फिर इसको डिश आउट करते हैं। फ्रेंड्स, मीठा दूध रेडी टू ड्रिंक है, आप इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इस पर कोई भी आप नट्स डाल दें, अच्छा लगेगा टेस्ट में और गार्निश भी अच्छी हो जाएगी इसकी। बच्चों को बना के दें, बड़ों को बना के दें, टू यम। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेएफके चैनल। अल्लाह हाफिज़।